शम्बरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः शांति शांति ही। इस मंत्र में परमात्मा को विश्वकर्मा के रूप में देखा गया। मंत्र का देवता भी विश्वकर्मा है। इस समस्त जगत का रचयिता, बनाने वाला, कर्ता और उससे संबंधित समस्त कर्मों को करने वाला परमात्मा ने सृष्टि बनाई तो निर्माण तो उसे करना है, वो जनिता है, लेकिन जनिता से पहले वो पिता के भाव को बना करके फिर इधर प्रवृत्त होता है। मंत्र में कहा यो न पिता जनिता। पिता तो पालन करने वाला होता है और जनिता उत्पन्न करने वाला। पालन की प्रक्रिया वैसे उत्पन्न होने के बाद में होती है। परमात्मा हमें उत्पन्न करे और फिर हमारा पालन करे, ये क्रम होता है। लेकिन मंत्र में पहले पिता को कहा और फिर जनिता को कहा। परमात्मा समस्त भूतों को, प्राणियों को, जीवों को उत्पन्न करता है, लेकिन उससे पहले वो इस बात को रखता है, स्वीकार करके चलता है कि मुझे इन सब का पालन भी करना है। पालन के भाव को रखते हुए वो उन्हें उत्पन्न कर रहा है। किसी भी भवन को, आश्रम को निर्माण करने से पहले ये भाव मन में रहे कि मुझे इनका पालन भी करना है, इनकी रक्षा भी करनी है। केवल उत्पन्न कर करके छोड़ते चले जाएं, उत्पन्न कर करके छोड़ते चले जाएं, ये वास्तव में जनिता नहीं होता, श्रेष्ठ जनिता नहीं होता। कई व्यक्तियों के मन में यह होता है कि इतनी संस्थाएं बना दी, इतने आश्रम बना दिए, और एक मन में भाव होता है कि मुझे इतने बनाने हैं, वो बनाता चला जाता है। इतनी संस्थाएं खोलनी है, इतने केंद्र बनाने हैं, मैंने इतने केंद्र बना दिए और उनको बनाता चला जा रहा है, लेकिन उनको धारण नहीं कर रहा है, उनकी रक्षा नहीं कर रहा है, ये भाव उसके मन में है ही नहीं। श्रेष्ठ मनुष्यों को बनाने को प्रवृत्त है, उनको कुछ ज्ञान दिया, अच्छा बनाया, लेकिन उनके पालन में वो प्रवृत्त नहीं है कि उनको मैं अच्छा बनाए रख सकूं, उस ओर बिल्कुल भी प्रवृत्त नहीं है। कम से कम जो इच्छुक हो उनका तो पालन भी वो करे, उनको बनाए और उनके पालन से संबंधित कोई आवश्यकता हो उसे भी पूरा करे, उसके लिए भी अपना समय, शक्ति, धन आदि लगाए, ये भाव हो तो फिर विश्वकर्मा बनता है व्यक्ति। नहीं तो बनाते चले जाते हैं, बनाते चले जाते हैं। जैसे सरकार यदि चिकित्सालय खोले, विद्यालय खोले, उस विद्यालय खोल दिए, प्राथमिक आवश्यकताओं को पूरा कर दिया, और अब अध्यापकों को वेतन कैसे मिलेगा, वो विद्यालय चलेगा कैसे, उसमें बिजली पानी की व्यवस्था कैसे होगी, आगे उसको धारण करना, रक्षा करना, उस ओर प्रवृत्त नहीं है। बनाया और छोड़ दिया, बनाया और छोड़ दिया। उन्हें केवल ये लक्ष्य बना रहता है कि हमने इतने विद्यालय खोले, इतने चिकित्सालय खोले, इतने केंद्र खोले, तो वो श्रेष्ठ रचयिता नहीं हो सकता। जनिता बनने से पहले पिता का भाव भी मन में होना चाहिए और वो परमात्मा में है, क्यों पिता है और जनिता है।
रक्षा करते करते वो उनकी व्यवस्था भी करता है, उनको धारण भी करता है और उनके बारे में जानता भी पूरी तरह है। अगर व्यवस्थापक उन सब चीजों को न जाने, केवल बना दे और रक्षा को प्रवृत्त हो, तो बिना जाने तो वो ठीक प्रकार से रक्षा भी नहीं कर सकता, ठीक प्रकार से उनका धारण भी नहीं कर सकता। तो परमात्मा ऐसा विश्वकर्मा है जो इन सबको ठीक प्रकार से जानता भी है। यो देवानाम नामधा, परमात्मा ने देवों के नाम रखे हैं। परमात्मा ने इन सब वस्तुओं के ऐसे नाम रखे हैं जिससे उनका स्वरूप प्रकट होता है। नाम किसी व्यक्ति की तरफ संकेत करने वाला होता है, उसकी एक पहचान होता है। एक तो नाम वैसे ही रख दिया जाता है गुण कर्म स्वभाव के बिना, कोई भी नाम हम किसी का रख देते हैं, लेकिन परमात्मा के द्वारा जो वस्तुओं के नाम रखे गए हैं वो विशेष प्रकार के हैं। जिस वस्तु में जैसा गुण कर्म स्वभाव हो, उनमें से किसी के अनुरूप उसका नाम रखा गया है और वो नाम उस वस्तु के बारे में भी जनाता है, न केवल संकेत करता है, उस वस्तु के बारे में जानकारी भी देता है। ऐसी परमात्मा ने व्यवस्था की है, नाम दिए हैं और ऐसी ही भाषा हम सबको दी है, वेद की भाषा, संस्कृत की भाषा। हम भी हमारे जीवन में विभिन्न नामों को रखते हैं तो गौण है, लेकिन मुख्य जो जितने देवता हैं सृष्टि के, जिनको परमात्मा ने रचा है, उन सब के नाम परमात्मा ने दिए हैं, वेद के अंदर प्रतिपादित किए हैं। महर्षि भाष्य के अंदर बहुत ही विशेष बातें लिखते हैं। उन्होंने व्याख्यान में कहा, जो दिव्य सूर्यादि लोक तथा इंद्रियादि और विद्वादों का नाम व्यवस्थादि करने वाला एक अद्वितीय वही है। इनका नाम भी रखता है और व्यवस्था भी करता है। देव शब्द से दिव्य सूर्यादि लोकों को लिया, इंद्रियों को लिया और विद्वानों को लिया। वो वस्तुएं हैं, उन वस्तुओं को जानने के साधन इंद्रियादि हैं और इन इंद्रियों के माध्यम से उन वस्तुओं का ठीक ठीक ज्ञान हो सके उसके लिए विद्वान। ये तीनों चीजें यहां पर लिखी और कहा इस व्यवस्था को करने वाला अन्य कोई नहीं है, वही स्वामी और पितादि हम लोगों का है, इसमें शंका नहीं रखनी। हम में से मनुष्यों में अधिकांश व्यक्ति ईश्वर पर विश्वास रखते हैं, ईश्वर का गुणगान करते हैं, उसको सृष्टि का रचयिता मानते हैं, लेकिन इतना होते हुए भी परमात्मा के प्रति शंका आशंका उभरती रहती है। जैसा हमने सुना, जैसा हम मान रहे हैं, ऐसा कोई परमात्मा है या नहीं है, ये मन में प्रश्न उठते रहते हैं। जिस तरह का परमात्मा है, क्या मैं उसे वैसा ही मान रहा हूं या कुछ और ढंग से मान रहा हूं, शंका होती है। अन्य लोग परमात्मा को जिस तरह मान रहे हैं वही ठीक है, या मैं जिस तरह से परमात्मा को मान रहा हूं, स्वीकार कर रहा हूं, वो ठीक है, शंकाएं होती रहती हैं। तो महर्षि ने वेदों के अनुसार जो परमात्मा का स्वरूप हमारे सामने रखा, वेदों में परमात्मा का जो स्वरूप रखा गया है, उसको जान करके उसके प्रति कोई शंका नहीं होनी चाहिए। आगे लिखते हैं, तथा उसी परमात्मा के सम्यक प्रश्नोत्तर करने में विद्वान वेदादि शास्त्र और प्राणी मात्र प्राप्त हो रहे हैं। ये सब उसी ओर लगे हुए हैं। हमें लोक में ये दिखाई देता है कि विद्वान कुछ और कार्य कर रहे हैं, ऐसे विद्वान भी जो परमात्मा को नहीं जानते मानते, वे भी जिन कामों में लगे हुए हैं। वेदादि शास्त्र के ज्ञाता विद्वान तो परमात्मा को जानने समझने में लगे ही हैं, लेकिन अन्य भी
प्रत्यक्ष रूप से वो ईश्वर को भले ही ना स्वीकार करते हो, लेकिन जिस तरह से वो लगे हैं, वो जैसे परमात्मा को ही जानने में लगे हैं, और जानते जानते प्रकृति को समझते उस परमात्मा को भी समझते हैं, समझने लगते हैं, उसकी सत्ता को स्वीकार करने लगते हैं। और यही बात वेदादि शास्त्रों में है, ये सब जितनी भी प्रक्रियाएं हैं वो सब परमात्मा को ही येन केन प्रकारेण जानने समझने के लिए, परमात्मा के बारे में ही और प्रश्न जिज्ञासा रखने के लिए, उधर बढ़ाने के लिए है, और प्राणी मात्र भी उसी ओर लगाए। हमें यह प्रतीत होगा कि जो आध्यात्मिक व्यक्ति हैं वो ही परमात्मा को जानने समझने में लगे हैं, जो गंभीर स्तर पर देखते हैं वो आध्यात्मिक व्यक्तियों को ही ऐसा समझते हैं, बाकी धार्मिक व्यक्तियों को वो परमात्मा की तरफ सच्ची भक्ति वाला या सच्चा जानने वाला नहीं समझते। और निचले स्तर पर आए तो जो धार्मिक व्यक्ति हैं, जो परमात्मा की स्तुति प्रार्थना करते हैं, वो ये समझते हैं कि हम सब परमात्मा को जानने समझने के लिए लगे हैं, भले ही दिन में थोड़ा सा समय निकालते हों, लेकिन उस ओर लगे हैं। लेकिन बाकी जो भौतिकवादी हैं, जो परमात्मा की स्तुति प्रार्थना नहीं करते, वो जैसे परमात्मा को जानने को नहीं लगे हैं। ये धार्मिक व्यक्ति, एक सामान्य व्यक्ति ऐसा सोचता है, लेकिन जो बिल्कुल भौतिकवादी है वो व्यक्ति भी प्रश्न परमात्मा के लिए ही कर रहा है, वो परमात्मा नाम नहीं ले रहा है, लेकिन उसकी खोज जो चल रही है शुद्ध सुख की, वो परमात्मा के लिए ही संप्रश्न कर रहा है। ये व्यवस्था ही परमात्मा ने ऐसी बनाई है कि कहीं भी कोई लगेगा, प्रयत्न करेगा, वो परमात्मा की तरफ ही बढ़ रहा होगा, जिस भी तरफ जाएगा वहां कुछ उसे अनुभव होंगे, कुछ सीख मिलेगी, कुछ दुख दिखाई देंगे, और वो संतुलित होता रहेगा, सीखता रहेगा, और अपने को अच्छा अच्छा बनाते हुए और अच्छा बनाएगा और बढ़ता जाएगा। इसलिए महर्षि ने लिखा कि विद्वान वेदादि शास्त्र और प्राणी मात्र उसी परमात्मा के सम्यक प्रश्नोत्तर करने में प्राप्त हो रहे हैं। और आगे बड़ी महत्वपूर्ण बात महर्षि लिखते हैं, क्योंकि सब पुरुषार्थ यही है कि परमात्मा उसकी आज्ञा और उसके रचे जगत का यथार्थ से निश्चय ज्ञान करना। हमारा पुरुषार्थ प्रयत्न सब कुछ बस यही है, मूल चीज यही है, एक तो परमात्मा को हम जाने, एक उसकी आज्ञा को जाने, और तीसरा उसके रचे जगत का यथार्थ ज्ञान हम निश्चय कर लें। संसार में बहुत से व्यक्ति हैं जो प्रकृति को और संसार के पदार्थों को जानने में लगे हैं, मुख्य रूप से इसी को जानने में लगे हैं, वो परमात्मा का प्रत्यक्ष ऐसा विचार नहीं करते और परमात्मा की आज्ञा का भी कोई विचार नहीं करते। वो संसार को जानते हैं और उससे जो भी लाभ ले सकते हैं अपनी इच्छा अनुसार उससे लेना चाहते हैं, उसका उपभोग करना चाहते हैं, ये एक स्तर है। दूसरा स्तर है जो परमात्मा को स्वीकार करता है, परमात्मा के बारे में भी बहुत कुछ जानता है, समझता है, जानने के लिए प्रयत्नशील है और संसार को भी जानने को लगा है, लेकिन संसार के पदार्थों को इस प्रकार से उपभोग करता है जैसे वो स्वयं अपनी इच्छा के अनुसार करता है, परमात्मा की आज्ञाओं को नहीं जानना चाहता, परमात्मा का अस्तित्व केवल स्वीकार करता है, बहुत कोई महान है जिसने इस सबको रच करके मेरे लिए दिया है और उपयोग मैं कैसे करूं, जैसी मेरी इच्छा। वो इन सब का उपयोग मनमाने ढंग से स्वच्छंदता से करता है, ये दूसरा स्तर है। लेकिन हमें करना क्या है, महर्षि संकेत दे रहे हैं, परमात्मा को भी जाने और परमात्मा की आज्ञाओं को भी जाने और इस संसार को भी ठीक ठीक जाने, और इस प्रकार तीनों को जान करके इस संसार में व्यक्ति उस तरह रह सकता है जिस तरह की अपने चरम लक्ष्य को प्राप्त कर सके,
परमात्मा की इच्छा तभी पूर्ण हो सकती है। परमात्मा ने जिसलिए मनुष्य जन्म दिया, ये सृष्टि बनाई, ये तब हो सकती है जब इन तीनों बातों का हम ध्यान रखें। और महर्षि लिखते हैं उसी से, यानी इन तीनों को करने से ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार प्रकार के पुरुषार्थों के फलों की सिद्धि होती है, अन्यथा नहीं। इन चारों की प्राप्ति करनी है तो एक ही ये सूत्र है, इसी तरह हमें चलना होगा। इसलिए परमात्मा को भी हम वेदादि शास्त्रों से जानते हैं और परमात्मा के आदेशों को भी वेदादि शास्त्रों से जानते हैं। एक वर्ग वो भी है जो संसार को हे समझता है, संसार को अधिक जानना नहीं चाहता, क्योंकि उसे तो परमात्मा ही चाहिए, परमात्मा ही उसने लक्ष्य बना रखा है, तो परमात्मा को जानता है और परमात्मा के कुछ आदेशों को भी वो मान लेता है। ऐसे आदेश जो केवल परमात्मा की प्राप्ति के लिए सीधे सीधे संकेत करते हों, लेकिन प्रकृति को वो उपेक्षित कर देता है, इस कार्य जगत को उपेक्षित कर देता है। इससे संबंधित परमात्मा के जो आदेश हैं, निर्देश हैं, उसे वो अन्यों के लिए समझता है, उनके लिए जो भौतिकवादी हैं, जो संसार में ही सुख देखते हैं, उन आदेशों को उनके लिए समझ लेता है। वो भी चूक जाता है, उसे भी बाधाएं होती हैं। ये तीनों चीजें हमारे को, सब मनुष्यों को करनी आवश्यक है, आध्यात्मिक व्यक्ति को भी, तभी धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। नहीं तो मोक्ष की प्राप्ति में लगा हुआ व्यक्ति धर्म, अर्थ, काम, मुख्य रूप से अर्थ और काम के प्रति पिछड़ जाता है, हानि कर लेता है और फलतः उसका धर्म और मोक्ष भी ठीक प्रकार से सिद्ध नहीं हो पाता। महर्षि आगे लिखते हैं इस हेतु से, इस कारण से तन, मन, धन और आत्मा, इनसे प्रयत्न पूर्वक ईश्वर के सहाय से सब मनुष्यों को धर्मादि पदार्थों की यथावत सिद्धि अवश्य करनी चाहिए। धर्मादि पदार्थों की सिद्धि करनी है और वो ईश्वर के सहाय से करनी है, ईश्वर की सहायता से करनी है, ईश्वर को स्वीकार करते हुए करनी है। ईश्वर की जितनी सहायता है वो तो हमारे पास विद्यमान है ही, लेकिन परमात्मा की आज्ञाओं को पालन करते हुए हम और अधिक उसकी सहायता प्राप्त कर सकें और इस चरम लक्ष्य को पा लें, ये इस मंत्र का भाव है। विश्वकर्मा इसका देवता है और जो इस विश्वकर्मा परमात्मा को जान लेता है, इस मंत्र में जो भाव बताए गए, तो वो कैसा बनता है? भुवन पुत्रो विश्वकर्मा ऋषि ही, धारण करने वाली चीजों का भी वो रक्षक बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। जैसे परमात्मा भुवनों का पिता है, पालक है, उसी तरह ये भी उनका पालक, रक्षक, पुत्र बन जाता है और वो भी विश्वकर्मा बन जाता है। संसार में बहुत सी अच्छी अच्छी चीजों को बना देता है, प्रस्तुत करता है, अपनी सामर्थ्य के अनुसार भले ही कम करता हो लेकिन करता है, फिर भी वो बहुत कुछ कर लेता है। तो परमात्मा के प्रति हम इन भावों को रख सकें, परमात्मा किस प्रकार से विश्वकर्मा है और उस शैली से हम भी अपने को कुछ ना कुछ विश्वकर्मा की स्थिति में ला सकें और अपने जीवन को चरितार्थ कर सकें। मंत्र के भाव को मन में रखते हुए ओम का उच्चारण।